हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इंडिया में हर साल जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इस कैंपेन को शुरू करने के पीछे जो गवर्नमेंट का एम था वो था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन और अ बैलेंस डाइट इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आज भी देखोगे तो इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो माल नरिश्ड हैं या फिर किसी ना किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज से ग्रस्त हैं। क्योंकि एक जो वेल बैलेंस्ड डाइट है या न्यूट्रिशियस डाइट है वो ना सिर्फ आपको लाइफस्टाइल क्रोनिक डिजीज से आपको बचाता है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर बीपी या फिर शुगर जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाती है, बल्कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस्ड डाइट रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जैसे आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड इमोशनल ग्रोथ। तो अगर आपको अपने आप को ओवरऑल हेल्दी रखना है, आपको अपने आप को फिट रखना है, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट या वेल बैलेंस्ड डाइट आपको जरूर इंक्लूड करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक फूड पिरामिड तैयार करें। उसके अंदर 5 फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें नंबर 1 आपके आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो डेली रूटीन में आपको 3 to 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसको हम बोलते हैं, वो जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आपको मिलेंगे। सेकेंड, आपको जो एसेंशियल ऑयल्स या फैट्स हम बोलते हैं, जो कि आपको मिलेगा नॉर्मल जो ऑयल आप घर पे कोई भी घी या ऑयल आप यूज़ कर रहे हो उनसे, या फिर आलमंड्स या कोई भी ड्राई फ्रूट से, या फिर मिक्स सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जिससे कि ओमेगा 3 आपको मिलेगा, जो कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आपके आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको जरूर इंक्लूड करने हैं, जो कि आपकी कैल्शियम या आपकी बोन्स की या आपकी गम्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है मीट पार्ट या फिर प्रोटीन पार्ट। आपको अपना जितना वेट है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 kg वेट है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली रूटीन पे अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना है, जो कि आपको मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर या फिर काले चने या फिर टोफू ले सकते हो। बींग अ नॉन वेजिटेरियन, आप कोई भी चिकन या फिश आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपका आता है सीरियल, 5th ग्रुप जिसको बोलते हैं। सीरियल्स में जैसे आपका राइस आ गया या फिर गेहूं आ गया, ज्वार आ गया, जौ आ गया, बाजरा आ गया, इन चीज़ों को आप जरूर इंक्लूड करें। तो अगर आपने लाइफस्टाइल में डेली रूटीन जो आपका डाइट है उसमें ये 5 फूड ग्रुप्स को इंक्लूड कर लिया है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को इंश्योर करोगे कि आप एक हेल्दी डाइट या वेल बैलेंस या न्यूट्रिशियस डाइट आप अपने आप को दे रहे हो। तो अगर आपने अपने आपको फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो ये 5 जो फूड ग्रुप्स मैंने बताए उसको जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो खाएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।